मैं जिस वक्त पोस्टमार्क करवाना सी ये कहने लगी मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना इन्हों हार्ट होया तो बुढ़ा आदमी है धक्के खाएगा फायदा कोई नहीं महीना मेनू खराब किया अदालत लैके आ गए कागज के हार्ट होया मेरिया अखा की रोशनी गायब हो गई। वालदा बेचारी बीमार है रो रो के पागल हो गई है मिन्नत कर ना रो कहीं मेरा इन्हें सोना पुत्र मार दिता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन आज ही कहानी कुछ इस तरह से है, मेरे साथ मौजूद हैं एक मज़लूम और बेबस वालिद साहब जिनका जवान बेटा शहजाद जिनको कत्ल किया जाता है और इनके वालिद साहब का कहना यह था कि इनकी बहू किसी तरह से उनको भला फुसला कर यहाँ से इस्लामाबाद का कह के लेकर जाती हैं। रस्ते में स्टे होता है, खाना खाते हैं, अट्टे कट्टे से जवान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर खाने के बाद इनकी जो बहू थी उन्हें कोई दवाई देती है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ ही देर में वो देखते देखते अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। मोहम्मद हसन साहब का कहना ये था कि इस वाक्य से कुछ 6 माह कबल इनकी बहू अपने घर जाकर बैठ जाती हैं और ये इसरार करती हैं कि ये घर उनके नाम करवाया जाए तभी वो वापस आएंगी, लेकिन किसी तरह घर के कुछ बड़े डालकर ये अपनी बहू को वापस लेके आए और 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक जवान शख्स जिसको कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं थी वो अपनी जान की बाजी इस तरह से हार गया। तो ये सारा मामला आखिर है क्या, इनके वालिद साहब से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने बेटे के घर पे कब्जा किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अंकल, मुझे बताएं कि ये सारा मामला आखिर है क्या, आपको कब लगा कि आपकी जो बहू है उसने आपके बेटे को कत्ल करवाया या कत्ल किया? हाँ जी मोनी जी, मैं जिस वक्त उसे पोस्टमार्टम करवाना सी हाँ जी गुजर खां तो ये कहने लगी मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना इन्हों हार्ट होया बुढ़ा आदमी है अभी अदालतें धक्के खाएंगा फायदा कोई नहीं। अच्छा आपको कह रही है कि पोस्टमार्टम ना करवाएं आपको अदालतों में चक्कर लगाना पड़ेगा? हाँ जी मैं इस वास्ते कि जो छड़ दे काम पोस्टमार्टम वाला इन्हों हार्ट होया मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना बड़े दबाव पा के मेरे ना बड़े आकर के मैंने गल की उन्हें मैं आख्या अच्छा ये बंदे सन कोई पर भरा आए सन ये कोई होर मिलने सर आए सन इंडिया भैन सन 7-8 बंदे सन मैं देख के चुप कर गया क्यों कि मैंने पता सी कि इन्हों तलकात मुश्ताक इंस्पैक्टर के नाल है मैं इस वजह चुप कर गया इन्होंने हाथ बड़े लंबे ने तो इस वास्ते कि मैं खामोश हो के अपने बच्चे इतने लिया के नवा के मैं दफना दिता। अंकल बताएं आपसे जब मैं ऑफ कैमरा आपकी स्टोरी सुन रहा था तो आपने मुझे कहा कि मैंने तदफीन के 1 माह बाद कोर्ट में रिट दायर की कि मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराना चाहता हूं और कब्र कुशाई का आप ऑर्डर जारी करें और इसका पोस्टमार्टम करें, तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? जी मैं उसी वक्त जिस वक्त मैं चलीसवा किया ना चलीसवा करने तो बाद मैं यही काम किया कि मैं उठे जाके रेट की कि मेरे पुत्र का पोस्टमार्टम होना चाहिए है जी ये उठे लैके आ गए कागज महीना महीना मैंने खराब किया उत्थे अदालत ये लैके आ गए कागज के इनू हार्ट होया है जी मैं क्या अस्पताल दाखिल ही नहीं होया तो हार्ट कितों हो गया ये जाली लैके आई कि सर्टिफिकेट लिया के मजिस्ट्रेट ने पेश कर दिता तो मजिस्ट्रेट ने मैंने जनाब तरीका पा के मेरा जरा सी ना केस वो खर्च करता। मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया इस पर ना मेरे साइन है ये किसी और ने मेरे साइन से ये डॉक्यूमेंट पेश किया। हाँ जी ये जारी देता जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपके बेटे थे शहजाद साहब उनका और उनकी वाइफ का रिलेशन किस तरह का चल रहा था? बिल्कुल सही सी है तो जैसा जाके घर बैठी है 5 महीने हैं उस तो बाद लहजे कुछ होर हो गए उसी दौरान इन्हें होर दी होर गल बना के मेरे नाम मकान लगाओ और मैं फिर आऊँगी। अच्छा ये 5 माह के लिए अपने घर जाकर रह रही थी? हाँ घर जाकर रह रही थी। कोई लड़ाई वगैरह हुई थी या क्या मसला था? कुछ कोई लड़ाई नहीं हुई कुछ भी नहीं ये सिर्फ इन्होंने मकान पर कब्जा करने को मकान खोना सी। तो क्या कंडीशंस रखी थी जब ये 5 मंथ अपने वालदैन के घर रही हैं तो क्या कंडीशंस रखी थी कि किन कंडीशंस के बायस ये वापस अपने घर पर आएंगी? ये कंडीशन कोई नहीं सी सिर्फ यही सी कि मुश्ताक जो ना इंस्पैक्टर उन्हें परे की उस परे दे विच मेरे गवाह भी बैठे सन मेरी बीवी भी बैठी सी ये सारे बैठे सन लड़की कहन लगी मेरा जहन नहीं मिलया। अच्छा आपकी बहू कहती है कि मेरा जहन आपके बेटे के साथ नहीं मिला और एदा बाप कहने लगा मकान मेरी लड़की ने नाम लगा दियो तो मैं इन्हें भेज दिना फिर उन्हें कहा कि तुसी इंज करो जाओ जाके अपने अपने घर चल जाओ तो अपना समझो सोचो। तो फिर कब आपकी जो बहू है वापस इस घर में आई?
फिर मुश्ताक ने किया ना कि मैं पुलिस वाला है जो आप बता रहे हैं सुलह करवा रहा। हाँ जी हाँ जी पुलिस वाला इंस्पेक्टर मुश्ताक, उन्हें आखिया कि तू यार आई कुछ दिनों बाद मैं तेन बुलावगा तो बुला के मैं तेरे नाल तोड़ दाँगा। उन्हें जनाब वो घर कुछ दिनों बाद फिर बुलाया, फिर मेरी बीवी गई, मेरा एक रिश्तेदार गया, फिर ये मुश्ताक इंस्पेक्टर गया तो उन्होंने घर बह के कह लगा जा कुड़िए चली जा। हाँ जी जा के बेटे के साथ भेज दिया। हाँ भेज दिया वो घर नाम लिखवाए बगैर। हाँ कुछ भी नहीं मैं वही भेज देता। तो मुड़ के फिर कहन लगी कि मैंने ये इस्लामाबाद सैर कराने वास्ते नहीं लाता, मैं पिंडी नहीं लाता, ये आप ही जाता। हाँ जी उन्हें आखिया अच्छा मैं तेन ले जाऊँगा। उन्हें इन्नी गल करके उन्होंने कर ले आता। आप मुझे बताएं कि आपके बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, आपको किस टाइम पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो वफात पा चुके हैं। मैंने सुबह 5 बजे पता लगा, उतों जिन्हें दोस्तों को गया सी उन्होंने किसी बीवी ने टेलीफोन किया, जड़ी मेरी नौ सी इन्हें टेलीफोन ही नहीं किया कि तेरा पुत्र मर गया। क्या मामला पेश आया था वहाँ पर आपके बेटे के साथ? बस कुछ भी नहीं, ये रोटी खा दी है बिल्कुल सही, ये मुड़ के पता नहीं इन्हें की उन्होंने खवाया, वो अस्पताल नसया, मुड़ के आया वापसी तो उसे डिग पिया, पता नहीं मैं यदा गला कटवाया, पता नहीं इन की दिता। हाँ जी वो मुंडा उठे पूरा हो गया वापसी से आता। क्या उस टाइम क्यामत आप पर टूटी जब आपको फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपका जवान बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा? जी मेरिया अखा की रोशनी गायब हो गई। मैं जिस तरह सुनिया मेरिया अखा जाके मैं देखिया, मेरी अखा की रोशनी हाल तक मैं थोड़ा देख रहा मगर मैं शक्ल नहीं नज़र आ रही सही, मेरी इतनी रोशनी गायब डिग पी डाउन हो गई। इसी वजह वालदा का क्या आलम है? वालदा बेचारी बीमार है। हाँ जी वो बेचारी रो रो के पागल हो गई है। हाँ जी मैं वो मिन्नत कर ना रो बस सबर कर जा। हाँ जी वो कहीं मेरा इन्ना सोना पुत्र मार दिता है जी दसा। अभी आपको क्या चाहते हैं, आपसे इस घर का मुतालबा कर रहे हैं? हाँ जी बस हूँ मेरे उत्ते शिशन कोर्ट के बच्चे ने मेरे उत्ते दरखास्त दी अगर मेरे मकान पर इन्हें कब्जा किया है। मैं जो अब मकान आपके बेटे का था। हाँ जी इन्हें कब्जा किया है। मैं कहा मैं तो आप रहना इतने मैं क्या कब्जा कदा करना, मैं शुरू से रहना है। कहती मकान मेरा मकान मैंने दिता जाए ये माँ बाप ने कटता जाए दसो जी। तो नाजरीन ये थे वो मजलूम वालिद, वो लाचार वाले जिनका जवान बेटा किसी तरह से मारा गया। इनका कहना ये था कि इनकी बहू जो 5 माह कबल अपने घर नाराज़ होके गई थी और वो इस शर्त पर वापस आना चाहती थी कि अगर ये घर उनके नाम किया जाए, लेकिन ये शर्त तो पूरी ना हो सकी। लेकिन जिस तरह करके इन लोगों ने लोग डाल के अपनी बहू को वापस लेके आए, आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इनकी बहू की तरफ से ख्वाहिश जाहिर की गई कि हमने इस्लामाबाद शहर पे जाना है। इनका जवान बेटा यहाँ से अच्छी और सेहतमंद हालत में जब यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकले, रास्ते में एक स्टे करते हैं, खाना खाते हैं, इनके मुताबिक इनकी बहू ने उनको कोई मेडिसिन दी जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में देखते देखते उन्होंने अपनी जान की बाजी हार गए। और इनका कहना यह था कि इनकी बहू ने इनको फ़ोन करके ये बताना गवारा नहीं समझा कि इनका बेटा वफात पा चुका है। जब इनको पता लगा ये लाश लेने गए, का कहना यह था कि ये चाहते थे कि मैं पोस्टमार्टम कराऊं, मुझे पता लगे कि मेरे बेटे के साथ आखिर हुआ क्या, तो इनकी बहू ने इनको मना कर दिया। ये कहा कि कहां तुम इस उम्र में कोर्ट के चक्कर लगाते फिरोगे। तदवीन के बाद इनको फिर एक बार ख्याल आया कि मुझे अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। इन्होंने रिट दायर की कोर्ट में और इनकी बहू की तरफ से वहां पर एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया कि इनको तो हार्ट अटैक हुआ था। इनका कहना यह है कि वो तो हॉस्पिटल आई नहीं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस डॉक्टर ने दिया? जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे नकली साइन है, ये डॉक्यूमेंट असल नहीं है। तो आपने कहानी सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।